So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. And a very good morning, evening to all of you. Hope you all are doing well. I am Dr. Kritalan Zehra, and I'm working with Sihat Kahani as a dental surgeon. As you all know, that COVID-19 has affected the whole world, including Pakistan as well. और पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू पीक ऑफ थर्ड वेव. पिछले दिनों से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेजी से जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग. सेहत कहानी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इट इज़ कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशंस ऑन डेली बेसिस रिलेटेड टू कोविड एंड इट्स सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस, जिससे हमारी जो आम आवाम है उसको आगाही मिलेगी और हेल्प मिलेगी. ठीक है जी, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से कौन से दिमागी अमराज जो है वो हो सकते हैं. इसके लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर जैनब सलीम. मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ, छोटा सा, कि शी इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन. She did her MBBS from DUHS in 2010. She completed her FCPS and did her training in neurology from Civil Hospital in 2018. She has worked as a consultant neurophysician in Rabia Moon Institute of Neurosciences, which is located in Karachi. Currently, she is in Canada and working with Sihat Kahani since 3 years. Assalamu alaikum, Dr. Zainab. Kya haal hai aapke? I'm fine. Thank you for joining us today. अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दी चलें कि कोविड-19 क्या है और इसके क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं. हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इस बारे में हवाले से गाइड कर दें थोड़ा. जी जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है ये एक नॉवल कोरोना वायरस है, जो कि मेनली आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि ये मेनली एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये ज्यादातर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करता है. बेसिकली इट एंटर्स थ्रू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड देन इसके अभी तक जो देखा गया है वो हर पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स देखने को आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हमने देखे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, जैसे कि ड्राई कफ है, फीवर है, सोर थ्रोट है एंड जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं. बट इन द एंड इट्स अ मल्टी ऑर्गन वायरस जो कि आपकी बॉडी को, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. तो बेसिकली अभी तक जो हमारा कंक्लूजन रहा है वो ये है कि इट्स अ सिस्टमिक वायरस एंड इट एंटर्स थ्रू योर लंग्स एंड देन इट कॉजेस सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एंड सिम्टम्स ऑल थ्रू आउट योर बॉडी. ऑल राइट जी, सही हो गया. तो डॉक्टर साहब, अ फ्यू डेज बैक आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल जिसमें आई केम अक्रॉस के इसके जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी होते हैं जिसके बारे में लोगों को अभी इतना मालूम नहीं है. तो इसी हवाले से मेरा आपसे जो है वो पहला सवाल ये होगा कि कोविड-19 जो है वो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट कैसे करता है और इसका पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है. जी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये बेसिकली रेस्पिरेटरी वायरस है एंड ये आपके लंग्स के थ्रू एंटर होता है. जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके कॉफ करता है या स्नीज करता है तो ये वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके अंदर एंटर हो सकता है और फिर ये वायरस आपकी लंग को इन्फेक्ट करता है. अच्छा, अब ये ब्रेन को कैसे इन्फेक्ट करता है तो इसकी मल्टीपल थ्योरीज हैं. सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये ब्रेन को जो इन्वॉल्व करता है वो दो तरीकों से करता है, एक तो डायरेक्ट वे से करता है और एक इनडायरेक्ट वे से करता है. अच्छा, इन डायरेक्ट वे से कैसे करता है, जो कोरोना वायरस है उसकी पैथोजेनेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो उस होस्ट सेल के रिसेप्टर्स हैं, जिसे ACE2 रिसेप्टर्स कहा जाता है. ACE2 रिसेप्टर्स आपके लंग्स में भी होते हैं
और ये आपके बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे होते हैं। जब कोरोना वायरस आपके ये ACE2 रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बेसिकली अगर आप कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो उसके जो आउटर कोर है उस पे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके ACE2 रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ACE2 रिसेप्टर्स एंड जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स है कोरोना वायरस के, उनका इंटरेक्शन होता है तो कोरोना वायरस इट टेक्स एंट्री इनटू योर सेल्स। अच्छा, लंग में एंटर होने के बाद कोरोना वायरस जो है वो आपकी, इट कैन कॉज अ बैड रेस्पिरेटरी इलनेस एंड इन डूइंग सो इट स्टॉप्स योर बॉडी टू मेक ऑक्सीजन। एंड एज यू नो दैट दैट आर हार्ट इज रियली रियली सॉरी आर ब्रेन इज रियली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शन एंड एक्टिविटीज। जो आपका 80% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आपका हार्ट पम्प कर रहा होता है, दैट गोज टू योर ब्रेन एंड योर ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन एवरी सेकेंड टू सेकेंड फॉर मेंटेनिंग इट्स फंक्शन एंड एक्टिविटीज। तो अगर ये आपका जो ब्रेन है वो अगर ऑक्सीजन से डिप्राइव हो जाए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ब्रेन में ऑक्सीजन डिप्राइव होने की वजह से इंजरी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी। हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी की सबसे जो पहला सिम्टम आता है, मोस्टली जो पेशेंट्स में देखा गया है, दैट इज डेलीरियम और एनकेफेलोपैथी, जिसे हम कहते हैं इट्स अ स्टेट ऑफ दी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसको मैं आपको बाद में डिटेल्स में हम फिर डिस्कस करेंगे कि ये एनकेफेलोपैथी में हमें कौन कौन से सिम्टम्स मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो इनडायरेक्ट वे हो गया कोरोना वायरस किस तरह से एंटर होता है लंग्स के थ्रू। देन डायरेक्ट वे में भी आपके ब्रेन में एंटर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके लंग्स में होते हैं, ये आपके हार्ट, किडनीज एंड GI ट्रैक्ट और इसी तरह ब्रेन के उन एरियाज में जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आपके ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कराते हैं, जो आपकी ऑटो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्राइव कराते हैं, उन एरियाज में भी मौजूद होते हैं। तो कोरोना वायरस व्हेन इट इंटरैक्ट विद दीज ACE2 रिसेप्टर्स, इट गेन्स एंट्री इन इट इम्पेयर्स द फंक्शन ऑफ दीज एरियाज बाय कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, सही है। कोरोना वायरस से मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि कोरोना वायरस से कौन कौन से दिमागी अमराज जो हैं ऐसे हैं जो लाहक हो सकते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को इस चीज से जरा आगाह करिएगा। ठीक है। देखिए, कोरोना वायरस से एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसमें बेसिकली हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं आपकी पूरी बॉडी में, जो मैसेजेस लेके जा रही हैं ब्रेन तक और वापस लेकर आ रही हैं। तो ये दो चीजें हैं, और कोरोना वायरस में आपकी दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो देखे गए हैं, जो इनिशियल आपको रेस्पिरेटरी इलनेस में भी मिल सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स सोलली इन्हीं सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो दीज आर हेडेक, डिजीनेस, और इसके अलावा फटीग, माइलजियाज हैं, और इसके अलावा जो आजकल एनोजमिया और कुछ पेशेंट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ बिल्कुल टेस्ट की वजह से, तो ये बिल्कुल भी आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में ही आते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर पे जो आप, मैंने अभी आपको बताया कि जो कोरोना वायरस ब्रेन को ऑक्सीजन से डिप्राइव करके जो हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी कर रहा है ब्रेन के अंदर, तो उसकी जी जो जी सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन हमारे पास देखने में आई है, दैट इज एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलोपैथी इज बेसिकली क्या है कि आपका जो इट्स अ बेसिकली अ स्टेट ऑफ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये ज्यादातर जो है हमें मॉडरेट टू सिवियर डिजीज में नजर आती है, और इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड, डिसओरिएंटेड होता है, पेशेंट में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, देयर इज इमीडिएट मेमोरी लॉस इन द पेशेंट, और इसके अलावा जो है वो इसी तरह की डेलीरियम है, जो कि बिल्कुल कंफ्यूज्ड डिसओरिएंटेड पेशेंट आपको इसमें मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा
अगर हम बात करें सेरेब्रो वैस्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड, जैसे कि उसमें आप स्ट्रोक्स देख लें, तो यानी कि जो फालिज जो बिल्कुल ये भी आजकल बहुत जी जी कॉमन देखने में आ रहा है कोरोना वायरस से रिलेटेड। अच्छा जी, जी अब स्ट्रोक्स में ये है कि आर्टीरियल स्ट्रोक भी हो सकता है अगर आपकी, क्योंकि बेसिकली कोरोना वायरस जो है दैट इज ये आपकी बॉडी में एक हाइपर कॉगुलेबल स्टेट कर देता है। हाइपर कॉगुलेबल स्टेट क्या है कि क्लॉट्स बन जाते हैं। यस योर ब्लड वेसल्स दे बिगेंस टू क्लॉट, सो ऑल ऑफ ओके दी ब्लड वेसल इन ऑल ऑफ योर ऑर्गेन्स दे बिगेन टू मेक माइक्रो क्लॉट्स, तो जिसकी वजह हाँ से थ्रोम्बोसिस होती है, जो आपका ब्लड है वो थिकर हो जाता है सर्कुलेशन और क्लॉट्स जी बनाना जी शुरू कर देता है, ठीक है तो ठीक आपको ब्रेन में फॉलेज हो सकता है। और दूसरा ये कि जो ब्रेन की वेन्स हैं उसके अंदर भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन इसके जो परसेंटेज है वो कम है एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल स्ट्रोक। 0.5% में देखा गया है कि सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हमें मिला है, और इसके अलावा इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड जो है जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं वो भी हमें 0.5% केसेस में मिल सकता है। सही है। अच्छा इसके इसके अलावा अलावा एक बहुत और इम्पोर्टेंट सिम्टम है, जी जी सीजर्स हैं, यानी जी जो जी पेशेंट्स जो एपिलेप्टिक डायग्नोस नहीं है और जिनको कभी फिट्स नहीं हुए उनमें ये वायरस जो है वो सीजर्स भी करा सकता है, ठीक बिकॉज ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स करवाता है, जिसकी वजह से सीजर्स भी हो सकते हैं इन प्रीवियसली नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट्स। ऑलराइट ऑलराइट अच्छा इसके अलावा मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि आपको जो भी सवाल डॉक्टर साइबर से करने हो तो काइंडली अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपको सवाल है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, तो सेशन के एंड में हम डॉक्टर साइबा से वो सवाल पूछ लेंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है दिमागी अमराज होने का, कौन कौन से वो पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क पे हैं? जी, देखिए वैसे जो हमें यूजुअली हमें पता ही है कि जो कोरोना वायरस है ये जो सिवियर डिजीज कॉज करता है ये मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, और आपके जो कोमॉर्बिड्स के साथ जो पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले से कोई डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट डिजीज चल रही है या वो कोई इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसमें ये कॉमनली होता है। तो इसी तरह जो न्यूरल नर्वस सिम्टम्स हैं उनके भी यही रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स हैं उसमें दो और चीजें देखी गई हैं, एक तो कोई प्रायर रेस्पिरेटरी इलनेस हो किसी पेशेंट को पहले से, और दूसरा ओबेसिटी। ओबेसिटी का इसमें बहुत ही ओबेसिटी मेजर रोल देखा गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि जो ACE2 रिसेप्टर्स जो कोरोना वायरस की पैथोजेनेसिस में इम्पोर्टेंट होते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द फैट टिश्यू थ्रू आउट योर बॉडी, तो ऑलराइट जो फैट टिश्यू में बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं तो जो ओबीस पेशेंट्स हैं उसमें वायरल इन्वेजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा मैं दूसरे सवाल के अपनी तरफ चलूंगी जिसमें मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कि उनकी टाइमलाइन क्या होती है, आया क्या कोविड से पहले ये जाहिर हो जाते हैं या फिर शुरू में ही जाहिर हो जाते हैं, या ये लॉन्ग टर्म में जो है वो जाहिर होना शुरू होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस के? जी, देखिए मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो यही देखने में आया है कि जो हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी की वजह से हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहे हैं, और जो आपके ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है ये लेट स्टेजेस में ही यूजुअली जो है वो हमें नजर आते हैं पेशेंट्स में। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये भी हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपको अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द कोरोना वायरस मिल सकती हैं कुछ पेशेंट्स में। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स हेडेक के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कुछ पेशेंट्स सिंपली लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल और टेस्ट के साथ बिल्कुल प्रेजेंट बिल्कुल करते हैं, तो अर्ली सिम्टम्स भी बिल्कुल हो सकते हैं इसमें। और अर्ली सिम्टम्स में ये होता है कि जो पेशेंट्स इनिशियली ही डेलिरियम यानी अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट के साथ प्रेजेंट करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि जो डिजीज है वो मोस्टली जो है वो 2 to 4 वीक्स में रिजॉल्व हो जाते हैं।
लेकिन जो लेट स्टेजेस पे प्रेजेंट करते हैं उसमें फिर रिकवरी स्लो थोड़ी देखने में आई। सही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी हु आर लॉन्ग हॉलर्स? आजकल ये न्यूज वगैरह में जो है वो बहुत टर्म सुनने में आ रही है, और तो उस पे आप थोड़ा गाइड करेंगी कि ये क्या हैं और क्या उनमें जो है न्यूरोलॉजिकल ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें गाइड जी। करना। कोरोना वायरस लॉन्ग हॉलर्स बेसिकली दो पेशेंट्स हैं जिनको कि वायरल इन्फेक्शन हुआ और फिर वो इन्फेक्शन से रिकवर कर गए, लेकिन पोस्ट इन्फेक्शन भी उनमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो उनको हम कोरोना वायरस लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं, और एंड एब्सोल्युटली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें कोरोना वायरस लॉन्ग हॉलर्स में भी मिलते हैं। अच्छा क्योंकि यूजली जो है ज्यादातर लोग जो है वो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ जो है वो स्मेल का ज्यादा बता रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म पे लोगों को जो है वो नहीं वापस आ रहा है, रिगेन कर पा रहे वो चीज को। जी जी तो अच्छा, तो क्या कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं लॉन्ग टर्म पे? जी बिल्कुल है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट जो है वो रिकवर कर चुके हैं अपने इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी वो माइल्जियस की कंप्लेन कर रहे हैं, वो परसिस्टेंट हेडेक की कंप्लेन कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि हमें हमारा दिमाग बहुत भारी भारी रहता है और बिल्कुल अच्छा ही हम कंफ्यूज रहते हैं, हम बिल्कुल सही तरह से सोच नहीं पाते, थिंक नहीं कर पाते, और कैलकुलेशन वगैरह में हमें अभी भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनको बेसिकली हम ब्रेन फॉग कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द ब्रेन इन्फ्लेमेशन दैट परसिस्ट आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन। ऑलराइट। अच्छा जी, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि COVID-19 के हवाले से जो मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड और इनिशियल सिम्टम्स में जो आ रहा है वो लॉस ऑफ टेस्ट है और लॉस ऑफ स्मेल है, जिसको जो है वो तो वो एनोस्मिया कहते हैं, ड्यूजिया कहते हैं, तो क्या इनकी कोई न्यूरोलॉजिकल लिंक्स हैं इस चीज से, कोई आप बताएंगी इस बारे में? जी, एनोस्मिया और एजुजिया, एनोस्मिया इज लॉस ऑफ स्मेल एंड एजुजिया इज लॉस ऑफ टेस्ट। तो ये इनका बिल्कुल डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल लिंक है, क्योंकि जो आपका नेजो फेरेंचल एरिया होता है जहाँ से हम लोग स्वाब भी ले रहे होते हैं कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्टिंग के लिए, वहां पे आपके उस नेजो फेरेंजियल एरिया में भी आपके ACE2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि कोरोना वायरस की होस्ट सेल में एंट्री के लिए जरूरी होते हैं, और उस नेजो फेरेंजियल जो एरिया होता है वो आपके वहां पे आपका जो कुछ न्यूरल टिश्यू और जो ब्रेन टिश्यू है वो कनेक्ट हो रहा होता है, आपका बेस ऑफ द ब्रेन से वो एरिया कनेक्ट हो रहा होता है, और वहां से आपकी ऑल्फैक्ट्री नर्व जो है वो पास हो रही होती है टू द बेस ऑफ द ब्रेन थ्रू क्रिबिफॉर्म प्लेट। तो वही एरिया है जो कि आपकी स्मेल की और टेस्ट की सेंसेशन लेके जा रहा होता है ब्रेन में। तो जब कोरोना वायरस इज इट इन्वेड्स योर नेजो फेरेंजियल एरिया थ्रू ACE रिसेप्टर्स, तो वो आपके जो न्यूरल और ग्लायल टिश्यू है वहां पे उसको भी इन्फेक्ट कर देता है, और उसके थ्रू जो है फिर आपका लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है वो जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल होगा डॉक्टर साहिबा कि क्या जो हेडेक है COVID-19 के, उन क्या ये एक इसका एक कॉमन सिम्टम है में से एक है, तो लेकिन कौन कौन से टाइप के होते हैं इसमें हेडेक कोविड में पाए जाते हैं, और ट्रीटमेंट क्या होता है उसका अगर पोस्ट कोविड हेडेक रह जाता है पेशेंट को? क्योंकि लोग अक्सर लोगों ने कहा कि भाई मेरा जो है वो अब नेगेटिव तो आ गया है लेकिन जो एक सर में दर्द है वो रह गया है, वो नहीं जा रहा, तो उस चीज को कैसे जो है वो हम ट्रीट करेंगे और उसका क्या जो है वो व्यूअर्स को बताइएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेडेक जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम है न्यूरल मैनिफेस्टेशंस में, और कुछ पेशेंट जो है वो सोलली हेडेक के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। 13.6% पेशेंट्स जो है वो एक स्टडी के मुताबिक ऐसे हैं जो कि ओनली हेडेक के साथ आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, हेडेक की बहुत सारी टाइप्स देखने में आई हैं इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग हेडेक होता है और फिर वो आफ्टर द COVID-19 इन्फेक्शन वो एग्जैक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो टेंशन टाइप हेडेक्स हैं जिनको, या जो माइग्रेनर्स हैं
उनमें ये हेडेक और इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 30% के अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें आपको जो है वो न्यू हेडेक भी देखने में आया है कि पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन के बाद एक न्यू किस्म का हेडेक डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं न्यू परसिस्टेंट डेली हेडेक। तो उसके चांसेस ये बहुत ज्यादा कॉमन है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। और इसकी जो है वो फिर ये आफ्टर इन्फेक्शन भी पेशेंट को रहता है हेडेक, एंड इट्स वेरी डेबिलिटेटिंग हेडेक। तो इस तरह के ये सारी टाइप्स हैं हेडेक की। अच्छा, ट्रीटमेंट के हवाले से यही है कि पहले तो पेशेंट को अगर कंप्लेन कर रहे हैं पेशेंट्स हेडेक की, तो सबसे पहले तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए अपने जो भी इनका आपके जनरल फिजिशियन है या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हेडेक में हमें देखना होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हेडेक कौन से टाइप का है। आइदर इट्स अ प्राइमरी हेडेक, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी हेडेक कौन से होते हैं, जैसे टेंशन टाइप है या माइग्रेन है या जो न्यू जी परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है आपके कोरोना वायरस के पेशेंट्स में, बिल्कुल बिल्कुल या फिर ये कोई सेकेंडरी हेडेक तो नहीं है कि ब्रेन में कोई और खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज है जो कि हेडेक करा रही है, या स्ट्रोक की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई ब्लीड वगैरह तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। तो ये आपकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेडेक को करेक्टराइज करने में कि ये कौन सा टाइप ऑफ हेडेक चल रहा है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि व्हाट इट इज द टाइप ऑफ हेडेक एंड वेदर द पेशेंट नीड्स न्यूरो इमेजिंग और नॉट। न्यूरो इमेजिंग मीन्स कि आपको पेशेंट को सीटी स्कैन या कोई एमआरआई कराने की जरूरत तो नहीं है, ताकि हम सेकेंडरी कॉजेस को रूल आउट कर सके। जब हमारे सेकेंडरी कॉजेस रूल आउट हो जाते हैं, तो प्राइमरी हेडेक में जो है हर टाइप ऑफ हेडेक की एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, और हर पेशेंट जो है उसकी हेडेक की करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होती हैं, और हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है दैट इज डिफरेंट। तो बेसिकली जो पेशेंट की हिस्ट्री है, उसकी जो एग्जामिनेशन है और उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ हेडेक है और उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है ठीक है। लास्ट मेरा जो आपसे ये सवाल होगा वो होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेलीमेडिसिन इन मैनेजमेंट ऑफ हेडेक। जी, टेलीमेडिसिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मैनेजिंग हेडेक पेशेंट्स। क्योंकि आपको पता है कि जो हेडेक के पेशेंट्स होते हैं, जो पोस्ट कोविड हेडेक आप ले लें या फिर आप इवन माइग्रेन ले लें, जो जी कि जी कोविड के बाद के जो कोविड-19 है, दैट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और इसमें माइग्रेन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट्स का। तो बिल्कुल। ये और बहुत ऑलरेडी ऑलरेडी जी जिनको माइग्रेन हो तो उनमें तो फिर और और फिर ज़्यादा जो हो है वो जाता है इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल दोनों हेडेक जो है ये इतने सिवियर इंटेंसिटी वाले और इतने डेबिलिटेटिंग है कि पेशेंट जो है वो वैसे ही उसमें इतना लाइट सेंसिटिव और नॉइज सेंसिटिव हुआ हुआ होता है, और उसको जाहिर है फिर ट्रैवलिंग करना और फिर क्लिनिक इन पर्सन जाके विजिट करना, ये काफी मतलब ट्रबलसम लग रहा होता है। तो इट्स बेटर कि अगर जो है हेडेक की ट्रीटमेंट अगर आपके एट द कंफर्ट ऑफ योर होम हो जाए थ्रू टेली मेडिसिन, तो ये बहुत ही अच्छा है पेशेंट्स के लिए भी कि उन्हें जो है वो आजकल की सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं करना पड़ेगा क्लिनिक्स का। और इसके अलावा जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उसको हम काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हैं थ्रू टेली मेडिसिन, और इवन ये जो न्यू परसिस्टेंट डेली हेडेक्स हैं उसको भी हम काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों हेडेक्स में ट्रीटमेंट से पहले हमें लाइफ स्टाइल डायग्नोज। जी डायग्नोज करना, और इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट जो है वो स्लीप प्रॉपर ले रहा है या नहीं, या फिर बिल्कुल, आजकल पेशेंट रमजान भी है की तो रमजान में भी जरा स्लीप पैटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा वो हो जी जाते हैं, स्लीप डिस्टर्ब भी हो पैटर्न जाता है। हम जी स्लीप पैटर्न्स का हम इंक्वायर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें देखना होता है कि पेशेंट अपने मील्स तो स्किप नहीं कर रहा, या फिर बिल्कुल पेशेंट का बिल्कुल हाइड्रेशन लेवल कैसा है और उसका ब्लड शुगर लेवल उसके सही जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हेडेक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम टेली मेडिसिन के थ्रू इसको बिल्कुल पेशेंट से ये सारी चीजें इंक्वायर कर सकते हैं। अगर हमें किसी पॉइंट पे लगता है कि पेशेंट को एग्जामिनेशन की जरूरत है या कोई न्यूरो इमेजिंग की जरूरत है, तो फिर वी कैन से टू द वी कैन रिक्वेस्ट अ पेशेंट टू विजिट द क्लिनिक इन पर्सन। लेकिन अगर जरूरत नहीं है और सिर्फ फॉलोअप के पेशेंट्स हैं और
सिंपली उनको हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करनी है, या जो वो पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री लेनी है, तो वो तो टेलीमेडिसिन के थ्रू बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं कर मैनेज। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव हमसे बातें शेयर की। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप भी क्योंकि सेहत कहानी पे हैं, तो आप काइंडली हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपकी टाइमिंग्स और स्लॉट्स क्या क्या हैं, ताकि अगर कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे ऑनलाइन तो वो किस तरह से और कैसे कर सकता है, तो थोड़ा सा गाइड कर दें आप। जी बिल्कुल, मेरे जो टाइमिंग्स है वो डेली है, मंडे टू संडे और 6 to 9 PM पाकिस्तान टाइम। तो आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स एंड कंसल्ट मी ड्यूरिंग दिस टाइम, 6 to 9 PM पाकिस्तानी टाइम। और जो सेहत कहानी है, दैट इज ऑल्सो ऑफरिंग फ्री GP सर्विसेज थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो आप जो है वो प्रोमो कोड एंटर करें कहानी 2021, और उसके थ्रू आपको जो है वो फ्री GP सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया हुआ है आपके लिए अकील साहब का। वो पूछ रहे हैं कि मेरे थ्रोट में हल्की सी खारिश महसूस हो रही है और एक तरफ से नाक बंद है, जिस्म गर्म है मगर बुखार नहीं है, तो इसके हवाले से आप क्या इनको मशवरा देंगी कि इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इनको क्या कोविड इन्फेक्शन हुआ हुआ है, या ये नॉर्मल अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, जो ये सोर थ्रोट वाले जो सिम्टम्स होते मेरा हैं? ख्याल में ये सिर्फ अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे जी मेंशन नहीं किया हुआ कि आया ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। जी तो अगर तो ये फीवर भी नहीं है इनको, और कोई इनका कांटेक्ट नहीं हुआ हुआ कोविड के पेशेंट से, तो ये सिंपली जो है वो सोर थ्रोट या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें फिर यही है कि इन जो भी इनके जो जनरल फिजिशियन है उनसे ये चेकअप करवा लें, और देख लें कि कोई इन्फेक्शन, तो ये वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है थ्रोट का, या तो पूरी एग्जामिनेशन करवा लें फिर। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोविड के सिम्टम्स होंगे, लेकिन अगर इनका कोई बिल्कुल कॉन्टेक्ट में है कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो फिर डेफिनेटली इनको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और टेस्ट की जरूरत है। अच्छा जी, सही है, ठीक है। अकील साहब, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप डॉक्टर साहिबा से जो है वो उनके कंसल्टेशन उनकी ले सकते हैं और उनसे डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकते हैं उन ऐप के थ्रू। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं भी सेहत कहानी पे हूँ, आई एम अ डेंटिस्ट, और जिन जिन लोगों को अगर कोई डेंटल इश्यूज हैं तो वो भी जो है वो मुझसे कंसल्ट करवा सकते हैं। मेरे टाइमिंग्स जो हैं वो शाम 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक के हैं, और मैं मंडे से फ्राइडे तक होती हूँ, तो जिसको अगर कंसल्ट कभी करना हो तो वो भी मुझसे कंसल्टेशन करवा सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते थैंक हैं, यू सो आपने इतने इतने अच्छे हमसे क्या कहते हैं सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, हमारे सारे सवालात के जवाब दिए, हमारी नॉलेज में इजाफा किया, हमारे व्यूअर्स की नॉलेज में इजाफा किया। आई होप सो कि सबको जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो ये। इसके अलावा आप कुछ मच। समराइज करना चाहेंगी या कोई कुछ बात शेयर करना चाहेंगी जी मैं बिल्कुल सेशन ये के एंड कहना पे? चाहूंगी कि जो मैंने ये सारे सिम्टम्स बताए, तो ये इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप जो है वो सारे SOPs को फॉलो करें, ताकि ये जो सारी बीमारियां हैं ये आप इसको होने से आप अपने आप को बचा लें। तो उसमें सबसे मोस्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, 20 सेकेंड्स तक अपने हाथ बार बार धोने हैं। और इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल जो है आपको जहां भी आप अगर जरूर, एक तो ये कि घर में रहें, और अगर बहुत जरूरी किसी काम के लिए आपको घर से निकलना पड़े तो मास्क पहन के निकलें। और ये कि बिल्कुल जो बिल्कुल आपकी वर्क प्लेसेस हैं या जो बाकी जो जगह हैं वहां पे दूसरे लोगों से कम 6 फीट का डिस्टेंस आप रखें। तो साथ साथ डॉक्टर साहिबा, ईद भी जी आ रही है, अब तो ईद का मौका भी आ रहा है, तो जो है गैदरिंग्स वगैरह होंगी, सोशल जी गैदरिंग्स, तो मास्क का इस्तेमाल रखें लोग, और क्या कहते हैं जी कि इसी जी तरह अपने बिल्कुल प्यारों का ख्याल रख सकेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल प्रिवेंशन है। अगर आप ये सारी चीजें अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर जाहिर है आप इतने मसले में पड़ेंगे ही नहीं, तो उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करें।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। तो हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं फिर। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, डॉक्टर साहिबा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह जी, हाफिज़, अल्लाह बाय, हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।